गुरुजी गुरुजी का है उसला जजमान तो बहुत कंजूस है तो क्या भर देवे किया हमर पेट भरबे नहीं करेगा तो बाल बच्चा कहाँ से खाएगा। अरे बुरबक जितना जो दे रहा है ना उतने में संतोष करो। अब जमाना बदल रहा है ज्यादा दिन ये सब जो है ना नौटंकी चलने वाला नहीं है। थोड़ा मिला है कहीं पे और भी मांग करके जो पूरा कर लेना। भाव मत धरो चलो। खाजा खाजा यार तुम लोग रूस रहा है क्या यार? लगता है दोनों में से एक को हटाना होगा तब खाएगा। चल तू इधर साइड रहा खा सब तेरा है खा आराम से अब खा। ए यार खाना लगता है इसका मन नहीं इसको हटा देते हट तू इधर हाँ तू खा साला खा कह नहीं रहा है। साइड होके चलो ठंडा लग रहा है तुम तो एकदम ठंडा ये गया है लगता है। गुरुजी रुकिए रुकिए देखिए वो क्या कर रहा है। अरे अरे वही इंजीनियर है ना? जी गुरुजी वही इंजीनियर वह है। आखिर वो कर क्या रहा है चलो चल के देखते हैं। पता है सब ऑन नहीं खाएगा अब बिलैया को देखते हैं इसको धरा के बिलैया काटता है कि नहीं इसको। नहीं अन्न खा रहा है नहीं भी अन्न खा रहा है। ये तो बिलाई का स्वभाव होता है चूहा को पकड़ना इसलिए पकड़ कह नहीं रहा आखिरकार क्या चक्कर है। अरे ओ जजीमान ये क्या कर रहे हैं? हल्ला मत कीजिए मेरा चूहा बिल्ली भाग जाएगा। गुरुजी लगता है पगला गया है यहाँ से चलने में ही भलाई है। अरे रुको जरा राम 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 का जहां तहां पाते रहते हैं गुरुजी। अरे चेला ये तो प्राकृतिक चीज है नेचुरल है कहीं छूट जाता है। अरे जजीमान ये मिट्टी का चूहा जो है कहीं अन्न खाता है और मिट्टी के चूहा के सामने जो है पीछे लगा दिए हो मिट्टी का बिल्ली ये कहीं पकड़ेगा उसको? बुद्धि तुम्हारा घास चरने गया है क्या है? सुने हैं कि इंजीनियर हो। गुरुजी इतना फर्क तो जानवर भी समझता है इंसान है इंजीनियर है इतना दिमाग नहीं है उसके पास। लगता है ज्यादा पढ़ लिया है जी गुरुजी। इसका दिमाग का जो है ना नट बोल्ट सब ढीला हो गया है। कहीं मिट्टी का चूहा जो है अन्न खाता है दाना खाएगा? नहीं खा सकता मिट्टी और पत्थर का बना भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया प्रसाद खा सकता है दूध पी सकता है हमारे सुख दुख में साथ दे सकता है सर्वशक्तिमान हो सकता है और पापियों का सर्वनाश कर सकता है। तो फिर ये मिट्टी का चूहा और मिट्टी का बिल्ली अन्न क्यों नहीं खा सकता? मूर्ख तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं है। मिट्टी के बने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठान होता है इसलिए वो प्रसाद खाते हैं और दूध पीते हैं। इतना भी दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। अभी खोचू क्या बोल रहा है बुद्धि से तेज मालूम पड़ता है ये समझा। वैसे भी मूर्ति में प्राण डालना एक तो बहाना है असली मजा जो है मलाई खाना है समझा। नहीं तो ये कहेगा इसमें प्राण डालने के लिए कहाँ से प्राण डालेंगे कैसे ही पहले से पोल खुला हुआ है और नंगा कर देगा ये। चल मत बोल कुछ अब तू देख इसे कैसे सबक सिखाते हैं। अरे मूर्ख अधर्मी नास्तिक तुम भगवान के महिमा पर सवाल खड़ा करता है। अरे ऊपर वाला से तो डर मैं तुम्हें शराब देता हूँ तुम्हारे साथ अनहोनी कुछ न कुछ जरूर होगा और बहुत बुरा होगा और देख तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ देख अभी तू। अरे मंगरुआ जी मालिक जरा खेत खलियान पर ध्यान रखा करो देखो पूरा चढ़ गया है बकरी अगर खसी से दिखाई दे तो उसको कोठे पर ले आना खसी का मीट खाए हुए बहुत दिन हो गया है। जी मालिक थोड़ा ध्यान रखा करो खेत के चलो सब अब चलो। इस अधर्मी को आज हम सबक सिखा के छोड़ेंगे।
तो हम सबक सिखाइए भी छोड़ेंगे। सरपंच जी। जी पंडित जी। आपके समाज में एक अधर्मी जो है पनप रहा है। कौन अधर्मी पनप रहा है मालिक? और कौन होगा, गौतम वह होगा, आजकल ज्यादा पढ़ लिख लिया है। वही है का? हाँ हाँ वही है। चलिए ता चल। और बोलेगा मेरे भगवान के खिलाफ। मालिक मालिक अभी से छोड़ दीजिए, नहीं तो अभी मर जाएगा। छोड़ दो, चलो चलो छोड़ दो। तो देखा आपने, जब कोई व्यक्ति अंधविश्वास पाखंड को तर्क के माध्यम से, वैज्ञानिक सोच के माध्यम से अपने समाज से और अपने देश से बाहर निकालने का कोशिश करता है, तो किसी खास वर्ग द्वारा किस तरीके से उनमें खलबली मच जाती है और वो मारने मरने पे उतारू हो जाते हैं। साथियों, मैं आज की शॉर्ट फिल्म के माध्यम से ये बताने का कोशिश किया हूँ कि जिस तरीके से मिट्टी का बना हुआ चूहा, मिट्टी का बना हुआ बिल्ली एक दूसरे को कैच नहीं कर सकती, न कुछ खा सकती, तो फिर जरा सोचिए हम मानव द्वारा निर्मित मिट्टी के भगवान भला कैसे हमारा कल्याण कर सकते हैं। साथियों, शॉर्ट फिल्म के माध्यम से बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मेरे इस शॉर्ट फिल्म से किसी व्यक्ति विशेष, जाति धर्म पंथ की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था और न ही कभी रहेगा। बस मेरा उद्देश्य है कि अपने समाज में जो अंधविश्वास पाखंड के माध्यम से अपना समाज ही नहीं बल्कि अपना पूरा देश पीछे चल रहा है, उसको वैज्ञानिक चिंतन से, वैज्ञानिक सोच से उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, मैं एक कहानी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किया हूँ। अनिल जी से इस पर मैं राय जानना चाहता हूँ कि आप क्या कहेंगे, आज जो हमने शॉर्ट फिल्म के माध्यम से, कहानी के माध्यम से लोगों को जो समझाने का प्रयास किया, इस पर आप दो शब्द कहें। साथ ही मैं अपने लोगों से ये कहना चाहता हूँ, इस तरह से अपने लोगों को, अपने लोग यदि समझाना चाहते हैं तो उनको जो है कोई खास वर्ग के लोग जो हैं ये देखते हैं कि ये मेरा धंधा रोजी रोटी ये बंद कर देगा, तो उनको जो है वो अपने से ना ही, वो अपना बुद्धि बल विवेक से जो है अपने हाथ ना लगा करके जो है आपको अपने आदमी के द्वारा ही आपको खत्म करने का जो है वो काम करते हैं। तो कहने का मतलब है, यदि कोई आपका अपना आदमी आपको कोई कुछ समझाना चाहता है, उस बात को समझिए, और यदि थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को जो है इसको आगे जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग को जो है इसी तरह से भरपूर प्यार दीजिए जिस तरह से देते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी कि हमारे समाज को एक बेहतर दिशा देने का आपने काम किया है, और आपका जो कला है, जिस कला के माध्यम से आज हमारा समाज जग रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। और उम्मीद है हम सभी का जो मेहनत है, अपने समाज के लोग जाया नहीं जाने देंगे, उस वीडियो को शेयर करेंगे।